हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में एक स्पेशल शूट। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ूफ़िस कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और आप सब की दुआओं के साथ मैं भी अच्छी हूँ और एक बार फिर हाजिर हूँ। और आज आप सब के लिए लाई हूँ 100K स्पेशल वीडियो, जिसका आप सबको और मुझे भी काफ़ी दिन से इंतज़ार था। काफ़ी दिन से आप सबके कमेंट्स, मैसेजेस और DMs आ रहे हैं कि आपने 100K वाली वीडियो नहीं बनाई। एक्चुअल क्या है कि बारिशें हो रही थी, मौसम बहुत ख़राब था और प्लानिंग चल रही थी आज बनाएंगे कल बनाएंगे, ऐसे ही करते करते टाइम निकलता जा रहा था और रेसिपी भी डिसाइड नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली हमने रेसिपी भी डिसाइड कर ली और मौसम भी आज अच्छा है, तो हमने सोचा चलिए आज शूट करते हैं 100K स्पेशल वाली वीडियो जो हम बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद फाइनली हमने डिसाइड किया कि हमें क्या बनाना है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ वेज सैंडविच, क्विक एंड इजी वेज सैंडविच बनाऊंगी। 100 सैंडविचेस हम बनाएंगे और उसके साथ एक छोटी सी जूस की बॉटल भी हम बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि सैंडविच बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। Cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. यहाँ पे शुरू हो चुका है प्रोसेस। सबसे पहले गैवेज काटी जा रही है, कैवेज कैवेज, और उसे ग्रेट करेंगे। यहाँ पे काटी जा रही है शिमला मिर्च और यहाँ पे हम गोभी को, बंद गोभी को कद्दूकस कर रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने हरी वाली शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है, इस तसले में है। खीरा और पत्ता गोभी को हमने बिल्कुल ग्रेटर से बारीक ग्रेट कर लिया है और अब यहाँ पर कट रहे हैं टमाटर। टमाटर भी बारीक बारीक काटने हैं हमें और उसके बीज निकाल देंगे हम। तो यहाँ पे हमने टमाटर, 1 किलो टमाटर को बारीक बारीक कट कर लिया है, साथ में 1 किलो ग्रीन वाली शिमला मिर्च, उसको भी बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 किलो, 2 किलो खीरा था उसको हमने बारीक ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पर नीचे देखिए, ये रही पत्ता गोभी, 1.5 किलो पत्ता गोभी थी, इसको भी हमने बारीक ग्रेट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। वो दीजिए, हाँ कैचअप दीजिए। तो मायरा भी हेल्प कर रही है। थैंक यू मायरा। अब एक तसले लेंगे बड़ा सा और इसमें हम अब निकालेंगे मेयोनीज। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप, एक पैकेट में डाल चुकी हूँ, दूसरा पैकेट डाल रही हूँ। अब इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स और अब इसमें डालेंगे पिज्जा सीजनिंग, ये मिक्स हर्ब है। अभी एक एक बॉटल डालकर मिक्स करके देखते हैं, अगर कम लगेगी तो फिर और डालेंगे। और साथ में हम इसमें डालेंगे नमक 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 नमक।
ये केचप और मेयोनेज का सब चीज़ें डाल के कितना अच्छा स्प्रेड तैयार हो गया है। अब इसको हम खीरा और पत्ता गोभी में डालेंगे आधा। आधा टमाटर और शिमला मिर्च में डालेंगे क्योंकि फिर सारा एक जगह मिक्स कर लेंगे। अभी बर्तन छोटा पड़ रहा है। अभी इसमें डालना है, डाल दूं? हाँ जी डाल दीजिए, सारा एक जगह पे ही करना है मिक्स। ये तैयार हो गया है हमारा स्प्रेड। अब चखेंगे थोड़ा सा नमक। बिल्कुल सही नमक है। और यहाँ पे अभी थोड़ी सी हमारी स्प्रेड मतलब जो अभी मेयोनीज और केचप बची है। अच्छा है, बच गई है। ठीक है, अगर वेजिटेबल्स कम पड़ेंगी तो दोबारा इसमें हम मिला लेंगे। तो ये स्प्रेड तैयार है। चलिए अब ब्रेड कटिंग को शुरू करते हैं। ब्रेड काटना, के बाद बनाएंगे सैंडविच। तो चलिए ब्रेड कटिंग शुरू करते हैं। ये है ब्रेड के सबसे बड़े भाई, जंबो ब्रेड। जंबो जंबो जंबो, बहुत सॉफ्ट है, एकदम फ्रेश ब्रेड है। तो चलो अब इसकी कटिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे ब्रेड की चारों किनारों को हमने काट लिया है। पे लगाएंगे बटर। बटर के ऊपर अब स्प्रेड लगाएंगे, अच्छे से पूरे पे फैला देंगे चारों तरफ। दूसरे ब्रेड पर भी बटर लगाएंगे और ऊपर से हम इसे कवर कर देंगे। लीजिए, हमारा सैंडविच तैयार है। अब इसे कट करके और एक हम घर में टेस्टिंग करके देखते हैं कि कैसा बना है हमारा सैंडविच। यम्मी है। कैसे है माँ? यम्मी। हम इसे एंजॉय करते हैं, फिर सारे ब्रेड बनाएंगे। मुझे तो खिला दो। ओ सॉरी। बिल्कुल बाजार जैसे लग रहा है। ये काम चल रहा है, प्रोसेस में है। ये सैंडविच बन चुके हैं, आधे लगभग 50 सैंडविच बन गए हैं। 50 से भी ज्यादा ही बन गए हैं। और ये स्प्रेड भी बिल्कुल आधी रह गई है। ये जो किनारे कट रहे हैं इसके बनाएंगे हम ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पे हमारा कार्य है प्रगति पर। ऑलमोस्ट 90-95 सैंडविचेस बन गए हैं। बटर भी बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म पर है। और अब बस 100 बनते ही हम शुरू करेंगे इनकी पैकिंग, कंटेनर में डालेंगे। इस बच्ची ने कोई काम नहीं करा, नहीं मेरी बच्ची, इसने सिर्फ खाए हैं सामान उठाकर, दबा के बटर लगा लगा के। ये बच्ची जो है, देख सकते हैं आप, देखिए इतना खा लिया है कि मुंह तक फूल गया है, कलाया है। और ये कटे हुए किनारे ब्रेड्स के। सैंडविचेस हमारे प्रिपेयर हो चुके हैं, अब हम पैकिंग कर रहे हैं। एक डब्बे के अंदर एक टिश्यू पेपर, और दिखाना मुझे एक डब्बा देना, तैयार हुआ वो। तो ये है हमारा डब्बा, सैंडविच, टिश्यू पेपर, एक फ्रूटी की बॉटल और केचप। तो इस तरीके से हम पैक कर रहे हैं 100 बॉक्स, और उसके बाद करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट। अभी रुकिए,
तो यहाँ पे चल रहा है फाइनल स्टेप पैकिंग का। कार्टन्स में पैक किए जा रहे हैं, कर रहे हैं पैकिंग। तो ये एक कार्टन पैक हो चुका है और एक ये हो चुका है और एक ये पैकिंग हो रही है जंबो पॉलिथीन में। लीजिए पैकिंग खत्म हो गई, अब चलते हैं बांटने। ये लास्ट पैकेट बचे हैं दो, फटाफट चलते हैं बांटने। चलो बैठो। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं और निकलते निकलते वही 6:30 बज गए हैं, तो थोड़ा अंधेरा हो गया है। होप जल्दी से पहुंच जाएं और जल्दी से बांट दें, रास्ते में जाम ना मिले। A few moments later. तो करोड़ों सालों बाद आखिरकार हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे। चलिए चलते हैं, देखते हैं, बुलाते हैं, बांटते हैं बच्चों को। गाइस हमने जो भी बनाया था सैंडविच और वो सब कुछ बट गया है और बांट दिया है बच्चों को, सबको दे दिया है। बच्चों के साथ अपने 100K का सेलिब्रेशन कर लिया है
और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे ही बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर हर 100K पर बांटते रहेंगे। हाल बुरा हो चुका है और अब बस जल्दी से घर जाएंगे, चेंज करेंगे, खाना खाएंगे और बैठेंगे एडिटिंग करने, क्योंकि एडिटिंग करने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे इस वीडियो को एडिट करने में। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, जैसे ही वीडियो आए लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर एक और नई रेसिपी की वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सीट बेल्ट लगाई हुई है, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी। कमेंट बहुत आ रहा है, सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई।